नूपुर और नूपुर और मुफ्ती नदी मुद्दीन हाँ जी स्टूडियो ऐश्वर्या मैं खुश हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि ये बिल्कुल बेहूदगी है जैसे मैंने शुरू किया हमारे शिवलिंग को फवारा बता देना अब इनको कैसा लगेगा मैं कहूंगी अरे कौन सा वर्ष है कुरान का 88:20 जो कहता है क्या अर्थ इज फ्लैट मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है मैं इनके ऊपर नहीं बोली लोगों के ऊपर मैंने बोली कृपया करके मुझे बोलने दीजिए मैं इनके उड़ते आप बोलिए 30 सेकंड उसके बाद जब वो खत्म कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी एक एक करके बोलिए उड़ते हुए घोड़े मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया प्लीज डोंट मेक पर्सनल देखिए एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत पॉइंट पे आते हैं टॉपिक मैं पर्सनल नहीं कर रही आप जो बिल्कुल नहीं 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 नूपुर 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 संविधान सर्वोपरि है संविधान सबसे ऊपर है नूपुर बोलिए नूपुर मैं बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे करेंगे याद रखिएगा आप जाली की टोपी पहन के बैठे हैं नहीं 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 आपने भी उड़ाने की कोशिश करी ना आपके साथ जो बैठे हैं हमारी टोपी क्या लेना जिन्होंने टोपी नहीं पहनी आयशा की बात उठाई क्या आप टोपी बार बार ही आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे क्या लेना एक बात बताइए ऐश्वर्या आपने कभी भी दुनिया में सुना है संस्कृत के नाम संस्कृत नामी मस्जिद कभी सुना है अरे जो ज्ञान का कुआ था उस नाम की मस्जिद कैसे बन सकती है बताइए वो महल्ला है आपको मालूम नहीं है ज्ञानवापी महल्ला है देखा है ज्ञानवापी परिसर एक पूरी दीवार बकायदा ऐसी लगती है ऑडियो ठीक कीजिए नूपुर का आप अलाउ कर रहे हैं आपको कुछ बताइए आपके तो घोड़े तो फूटते हैं आप अमेरिका का और क्लियर आना चाहिए ना नूपुर की आवाज खराब क्यों चलिए यहां से चलिए रिलैक्स उड़ते हुए घोड़े पे बैठिए मुफ्ती नदी मुद्दीन नूपुर हो जाइए मुफ्ती नदीमुद्दीन आपसे कुछ कह रहे हैं बोलिए 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 ओनली नूपुर एंड मुफ्ती नदीमुद्दीन देखिए ज्ञानवापी परिसर में एक पूरी दीवार ऐसी है बिल्कुल अगर आपकी आंखों देखिए तो ऐसा लगेगा कितना प्राचीन मंदिर गिरा दिया ये अपने उड़ते हुए घोड़े पे कब बैठेंगे और कब चुप होंगे लेकिन मैं आपको सीरियसली पूछना चाह रही हूँ अरे संस्कृत नामी मस्जिद ज्ञान का कुआं ज्ञान वापी उसकी नामी मस्जिद नंदी माँ जिनका मुंह पलट रखा है भैया आज के काशी के मंदिर विश्वनाथ जी के दर्शन से और मंदिर से आप कहना चाह रहे हैं कोई मंदिर नहीं है आपने ये क्या कहा यहाँ पे कि कोर्ट का विषय है कुछ इसका क्या लेना देना देना त्रिशूल का क्या लेना देना या आपका कलश का क्या लेना देना कमल का क्या लेना देना डमरू का क्या लेना देना असलियत तो यही है कि 40,000 से ज्यादा ऐसी आज की तारीख में मजार और मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई हमें छोड़िए कुतुब मीनार का मामला भी छोड़िए दिल्ली नदीमुद्दीन आपका जवाब दे रहे नूपुर नदीमुद्दीन एंड सूरज पालम मुफ्ती नदीमुद्दीन एंड सूरज पालम करने की कोशिश करी।